नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फ्लेम टेक मोहित में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी के बजट के बारे में, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है और यूपी के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं, जिनमें अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट एवं स्मार्टफोन देने का वादा किया है। वह वित्त वर्ष 2021-22 में 12 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए थे। तो आप जैसे जानते हो कि योगी आदित्यनाथ तो यूपी की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और यूपी के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और जिसमें 10वीं और 12वीं में जिनके भी 65% से ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का वादा किया है। और मैं आपको आगे बताता हूँ, आप यूपी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े फैसले लिए हैं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए भी 324 करोड़ 41 लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं, और ये टैबलेट एवं स्मार्टफोन कब मिलेंगे, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट भरी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन करता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें और ज़्यादा मोटिव करता है। धन्यवाद।